जुपिटर 2021 की परीक्षा रद्द हो गई। बहुत बड़ी खबर आ रही काम था, कलेजा थाम कर सुनिएगा। ये एग्जाम बकायदा दो प्रणाली में होने वाली थी, लेकिन काम था जब तक एग्जाम होता जब तक बस परीक्षार्थी एग्जाम देते इतने पता चला देखो अभी देखो पेपर लीक हो गया, एग्जाम को रद्द करना पड़ा। कम से कम बस 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल होने वाले थे। बकायदा सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप पर बकायदा पेपर लीक हो गया। गाजियाबाद बुलंदशहर मथुरा के बस व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर जमकर लीक हुआ। इतना लीक हुआ कि पूछो ना भैया, पहला पेपर जैसा लीक हुआ पूरे एग्जाम को बस रद्द करना पड़ा। कम से कम 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल होते हैं। और बाराबंकी जनपद का नजारा ही देख लो, यहाँ पर टाटा बाय करते हुए सब जने जा रहे थे। चाचा वीडियो बनाकर भेजा कि देखो देखो यहाँ तो बकायदा देखो सब जने घर को जा रहे हैं, पूरा एग्जाम रद्द हो गया। अब बकायदा यूपी टेट की परीक्षा बस अब 1 महीने बाद नए सिरे से फिर से ली जाएगी। जी हाँ, 1 महीने बाद नए सिरे से फिर से शुरू होगी। तो भैया तैयारियों में जुटे रहो और यूपी टेट की परीक्षा के लिए और भी मेहनत करो। पर वर्तमान बस अब क्या बताएं, यूपी टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब बस अब पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है, माफ कीजिएगा एसटीएफ की टीम जाँच पड़ताल में जुटी है और देखते क्या क्या खुलासा होता। और वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। बहुत बड़ी जानकारी मिल रही थी, हमने आपको दिखा दी। अब जब तक ये साहब पहचान पाते तब तक काम था, जंगली जानवर भाग चुका था। अब जंगली जानवर भाषा पूरे गांव भर में दहशत फैला चुका है। हैरान मत होइए, पर मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के मोहम्मदपुर खारा थाना पड़ता है, सूरतगंज क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भाई साहब जब से यू जंगली जानवर ना जाने कौन सा जानवर है जिसने भाषा पूरे गांव भर में दहशत फैला दी। भाई साहब कुछ दिन पहले ही बकायदा हमला किया था जानवर ने, तो काम था 10 लोग घायल हो गए थे, बच्चे भी उसमें थे और बकायदा बुजुर्ग भी थे, कुछ युवा भी थे। अब बकायदा अधिकारी साहब भाई साहब जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक भाई साहब काम था वन विभाग की बड़ी लापरवाही का या एक सुराग तक हाथ नहीं लगा कि कौन सा जानवर था। बस भाई साहब ये कुछ बाल हाथ में लगे, देख लो बाल कैसा था। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही सूरतगंज क्षेत्र के लिए आदर सावत के साथ विकास यादव की रिपोर्ट। वीडियो को शेयर करना कदम दमदार खबर मिलते रहेंगे आपको।